नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह द्वारा सिविल चिकित्सालय में रैन बसेरे का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। तो बता दें कि राजधानी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए सिविल अस्पताल में मरीज के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए 24 बेड के रैन बसेरे को बनाया गया है, जिसका स्वास्थ्य मंत्री द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस रैन बसेरे में मरीजों के तीमारदारों के लिए जब व्यवस्थाएं की गयी है, तो वही सीसीटीवी के साथ गैस चूल्हा का भी यहाँ प्रबंध किया गया है, जिससे यहाँ मरीजों के तीमारदारों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हर एक चिकित्सालय में या किसी भी चिकित्सालय में रैन बसेरा का रहना आवश्यक है। हमारी सरकारी सेवाओं में भी जनपद स्तर पर बहुत सारे जिला अस्पतालों में भी रैन बसेरा बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के सहयोग भी हमको मिलता है जनप्रतिनिधिगण से, और लखनऊ जैसे बड़े शहर में जहाँ बहुत भारी भीड़ हमारे यहाँ आती है, मुझे लगता है कि सिविल हॉस्पिटल ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। रैन बसेरा व्यवस्थित ढंग से बना के पुरुष और महिला को अलग करके उसमें किचन की व्यवस्था और बाथरूम की व्यवस्था करना, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और उनका रहने का जो व्यवस्था है ये अच्छा भी है। और ऐसे ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी जनपद चिकित्सालयों में पूरे प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था हो जाए। कितने बेडों का अभी करें? 24 बेड का अभी यहाँ पर शुरू किया है, और जितने पेशेंट यहाँ पर हैं, कोई ना कोई पेशेंट का आ ही जाता है। कुछ तो लोकल स्तर के होते हैं, कुछ दूर से आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सुविधा अच्छा रहती है। किचन यहाँ किचन की व्यवस्था भी है, पुरुष और महिला का दोनों अलग है, 24 बेड का अलग अलग है, और शौचालय का भी अलग व्यवस्था कर दिया गया है। लॉकर भी दिया गया है। चार्ज नहीं लगेगा। लॉकर की व्यवस्था एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग अपने सामान लेके आते हैं, वो एक अच्छी व्यवस्था है। लॉकर ताला सहित और सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, देखने के लिए रजिस्टर रखा जाता है यहाँ पर, और एक आदमी इसमें पूरा नियंत्रण करेगा कि देखने के लिए कोई दिक्कत ना हो किसी को। गोरखपुर के महामंडलेश्वर किरण नंद गिरी बाबा ने किन्नर समाज को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए प्रस्ताव रखा था, जिसे महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी व किन्नर समाज से जुड़े लोगों ने पास कर दिया। तो 15 दिवसीय चारधाम यात्रा को संपन्न कर गोरखपुर पहुंचे किरण बाबा का स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा सहित तमाम संगठनों के लोग मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए किन्नर समाज की महामंडलेश्वर किरण नंद गिरी बाबा ने बताया कि हम लोगों को कोई अपना नहीं होता, हमारे जजमान ही सब कुछ होते हैं। तो कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के समय जरूरतमंदों की मदद के लिए उनके समाज के द्वारा लोगों की मदद की गई, तो इस तरह के सामाजिक कार्य में वे हमेशा तत्पर रहते हैं। गोरखपुर में 19 साल हो गई है, सब कुछ तो कुछ भी करते हैं अपने घर के लिए, लेकिन मैं किरण नंदगिरी किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर आज बनी हूँ मैं, और आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की उसमें जुड़ चुकी मैं, और उसी पथ में हम पूरा धाम करके आज हरिद्वार पे भी हमारा पहला कुंभ लगने वाला है, और वहाँ से हरिगिरी महाराज से भी बात हुई है। आज हमने पूरा धाम करके इधर आए हैं, और नरेंद्र सर से कहा गया, सबको आगे हमारे इतना पूरा गोरखपुर के जजमान इतने प्यार दे रहे हैं, आज हमें अपनाते हैं इतना, तो हमें और इससे बढ़ के क्या चाहिए। सबसे बड़ा धन हमें जजमान से मिल चुका है, और जजमान को मैं दुआ करती हूँ भगवान से कि हमारे जजमान ऐसे खुशहाल रहें, किन्नरों को ऐसे सम्मानित करें ताकि किन्नर भी खुश रहे हैं और जजमान को क्या आपत्ति ना होवे। अच्छा किरण जी, एक आपने बहुत ही अच्छा काम किया है कि सभी किन्नर को एक सनातन धर्म से जोड़ने का काम किया, उस पर आप क्या क्या किया और कहाँ पे गई थी आप? मैं यहाँ से निकली हूँ सीधा आचार्य माँ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की यहाँ माँ जी के पास, वहाँ से फिर हम लोगों ने मीटिंग किए हैं पायलट बाबा के आश्रम में, सब मीटिंग हुआ हमारा 15 तारीख को, फिर हमने वहाँ से निकल कर 16 तारीख को गए थे हमारा हरिगिरी महाराज के यहाँ, और मेला अधिकारी से भी हमने परमिशन लिया, सबसे वहाँ का जो CM है सबसे बातचीत हुई है, हमारा किन्नर अखाड़ा अब की कुंभ हुआ पहला कुंभ लगेगी हम लोगों की। गोंडा नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार के विरोध में सभासदों ने लामबंद होते हुए विरोध प्रदर्शन किया, तो साथ ही नगर पालिका गेट पर प्रदर्शन किया, तो चेयरमैन उजमा राशिद की जगह पूर्व चेयरमैन कमरुद्दीन पर नगर पालिका चलाने के आरोप लगाए। पालिका में PF घोटाला और अन्य विकास कार्यों में धांधली के आरोप भी लगाए गए। इसी के साथ पालिका में EO को भी कार्यालय में जाने से रोक दिया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सभासद हैं, इनकी नगर पालिका बोर्ड में कोई सुनवाई नहीं हो रही है,
कोई जनहित के कामों को अगर ये लोग परसू करते हैं तो उसको चेयरमैन नगर पालिका उजमा राशिद जी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में पूर्व चेयरमैन कमरुद्दीन साहब वो पूरा बोर्ड चला रहे हैं और हम लोगों की बात को अनसुना कर देते हैं। एक भी दूसरा, अभी नगर पालिका में सालों से मिला के 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, पीएफ घोटाला। बहुत जद्दोजहद करने के बाद में एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और इतने बड़े घोटाले में एक लोग नॉमिनेट किए गए हैं, जबकि उसमें 2-3 लोग जो चिन्हित किए गए थे हमारे पार्टी के सभासद से चौरसिया जी ने जो आयुक्त महोदय जी को बताया था, उसमें 3 नाम थे। एक नाम के ऊपर एफआईआर करने के बाद 2 नाम को छोड़ दिया गया, चेयरमैन कमरुद्दीन, पूर्व चेयरमैन कमरुद्दीन साहब के दबाव में मिली भगत करके। नाम कौन से आप लोगों का, गिरफ्तारी उनकी भी नहीं हुई है? एक तो सबसे बड़ा आरोप उजमा राशिद जी है, वो बोर्ड की जवाबदेही उनके ऊपर है, वो चेयरमैन है, उनको उनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए था। दूसरा, ये जो सफाई नायक हैं गंदगी को लेकर, वो विशेष रूप से 8-9 महीने से कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में भी सफाई नायक हमारे सभासदों, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभासदों की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, हमारे सभासदों के साथ में मिसबिहेव करते हैं। इसमें एक अर्जुन गुप्ता वाल्मीकि है, जो विशाल अग्रवाल जी हमारे रानी बाजार के सभासद हैं, ये 6 महीने से सफाई कर्मी से कह रहे हैं साफ करने के लिए मोहल्लों को, वो भी इनके साथ में अमर्यादित व्यवहार करता है। हम लोगों की मांग है कि उसको ऑन स्पॉट निलंबित किया जाए। रायबरेली सलोन में बदमाशों ने खुलेआम पुलिस को चुनौती दी, तो वहीं डाकघर में 2 महीने के अंदर 2 बार चोरी की घटना अंजाम हो चुकी है, तो यहां से थाना मैच चंद कदमों की दूरी पर है। तो बता दें कि बीती 7 नवंबर को भी डाकघर से यहां चोरों ने 3.25 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया था, जिसमें अब पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। सीतापुर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, तो यहां लोहिया इंटर कॉलेज के ऑफिस में चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर एलईडी कंप्यूटर व प्रिंटर सहित अन्य महंगे उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब कमरा खोला गया तो चोरी की जानकारी हुई, जिस पर अब पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें पुलिस ने जल्द खुलासे की बात को कहा है। सीतापुर के लहरपुर लक्षण में चोरों ने घर को निशाना बनाया और 9 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि चोर घर के दरवाजे की खिड़की पर चढ़कर रोशनदान के सहारे घर में घुसे और यहां से 9 लाख की नकदी को अपने साथ ले गए। घटना तब अंजाम हुई जब घर में सभी लोग सो रहे थे। अब मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है, जिसमें पुलिस द्वारा जल्द खुलासे की बात को कहा गया है। मुरादाबाद के मोड़ा पांडे के सक्टू नगला में राशन डीलर के चैन को गलत बताकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं राशन की दुकान को निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों द्वारा जहां ब्लॉक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया, तो वहीं राशन दुकान के लिए सखी समूह के निर्वाचन को अवैध ठहरा दिया। इसी के साथ अब मामले में SDM से ग्रामीणों ने जाँच की बात को कहा है। झांसी के मऊरानीपुर में IG सुभाष सिंह बघेल ने सर्किल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध समीक्षा की, तो बैठक के दौरान कोरोना के मामलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ अपराधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए, तो वहीं इस मौके पर सर्किल के सभी अधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ पर जो है तहसील में, मऊरानीपुर तहसील में गरौठा, मऊरानीपुर और मोड़ सर्किल के यहाँ पर सभी हमारे CO साहबान और थाना प्रभारी मौजूद थे। इसके अलावा जो है SPRA झांसी भी हैं, यहाँ पर SDM साहब भी हैं और तहसीलदार साहब भी। 3-4 बिंदुओं पर विस्तृत रूप से बात हुई है। एक तो कोविड का जो नया स्ट्रेन है, उसके संबंध में हम लोगों के भविष्य में क्या कार्य योजना है, अपराधी तत्वों और अवांछित तत्वों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई है, इसके अलावा जो किसानों की जो समस्याएँ हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक बात की गई है। और शासन की जो मंशा है, उसके अनुरूप हमारे रेवेन्यू के जितने भी ऑफिसर्स हैं और पुलिस ऑफिसर्स, DM साहब से लेकर के नीचे लेखपाल तक और SSP से लेकर के कॉन्स्टेबल तक, हम लोग सब कटिबद्ध हैं कि जो भी शासन से हमको निर्देश मिले हैं उनका हम लोग पालन करें। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live24।